बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? अटलांटिक। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? चिलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे गहरा महासागर? ये अपने छोटे भाई को भी देखे पढ़ा रहा था। हाँ, छोटे भाई को यही पढ़ा था। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सिंगापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश? सारा चीज याद है, याद है पूरा। सोचने वाली बात है, 3 साल का बच्चा इतना कुछ कैसे याद कर सकता है? एप्पल मतलब मैंगो मतलब पपाया मतलब जैकफ्रूट मतलब गुवाहाटी से इनको देख रहे थे जो बहुत तगड़ा है। कोई भी चीज अगर आपको चेहरा देख लिया एक बार तो ये भूलेगा नहीं। माने माने गीन, माने कुत्ता। अभी मैं आपको बिहार के भविष्य कुमार से मिलवाने वाला हूँ। कैमरे में देख सकते हैं भविष्य कुमार आपको नजर आ रहे हैं, साथ साथ इनके मेडल जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ये 3 साल का बच्चा इतना तेज है कि आपको हैरान कर देगा। देख सकते हैं इनको भारत गौरव सम्मान मिला है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 साल के है और 3 साल के एज में भारत गौरव सम्मान इनको मिला है, अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी है। सबसे बड़ी बात है कि 3 साल का बच्चा ऐसा क्या कर दिया है कि सबको हैरान कर दिया है। भविष्य कुमार का वीडियो हमेशा वायरल होता है। भविष्य कुमार इतने कम उम्र में इतना सारा सवाल जवाब याद कर लिए हैं कि सबको हैरान कर दिए हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और देखिएगा ये कितना जल्दी जल्दी जवाब देंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो मैं इनसे नाम जानूंगा, पहले अपना नाम बताइए। अमित कुमार। अच्छा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। इनको सब पता है, कुछ भी पूछ लीजिए ये बता देंगे। यहाँ पे इनके सर हैं, इनके पिता हैं जो नाई का काम करते हैं। अब भविष्य कुमार का घर देख लीजिए, पहले ये घर है इनका, यही में भविष्य कुमार रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत गरीब है और गरीब घर में एक ऐसा बच्चा जन्म ले लिया है कि सबको हैरान कर दिया है। भविष्य कुमार का सर है ये, नाम क्या है आपका? सुशील कुमार। आपका नाम क्या है? रंजीत ठाकुर। ये मधुबनी में हम हैं अभी, मधुबनी। ये जो आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस बता दीजिए। ये मधुबनी घोंघाटिया प्रखंड पंचायत और गांव भी सरौती। हाँ, मधुबनी का ये छोटा सा गांव है जिसका नाम सरौती है, वहीं पे ये बच्चा रहता है। मैं चाहता हूँ सर से कि आप कुछ सवाल करें इनसे। पाकिस्तान का राजधानी बाबू? इस्लामाबाद। नेपाल को? काठमांडू। श्रीलंका को? ऑस्ट्रेलिया को? कैनबेरा। सऊदी अरब को? इटली को? कोलंबो। इजराइल को? एरुसलम। ईरान को? ईरान। इराक को? इराक। तुर्की को? अंकारा। सिंगापुर को? सिंगापुर को? सिंगापुर। पाकिस्तान को? क्या बात है, पाकिस्तान को? इस्लामाबाद। भूटान को? थिम्पू। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल? भारत का सबसे लंबा नदी? दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी? विश्व का सबसे लंबा नदी? विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी? विश्व का सबसे लंबा 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 नदी? नील नदी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी? अमेज़न। विश्व का सबसे छोटा नदी? नदी। भारत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य? क्या बात है, इनको सारे चीजें याद है और देखिए फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे याद कर लेते हैं? मतलब सुशील भाई मतलब सर सिखाते हैं आपको। अच्छा भविष्य कुमार, एक बात बताइए, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनिएगा। आईएएस बन के क्या कीजिएगा? देश की सेवा कीजिएगा। क्या बात है, ये छोटा सा बच्चा है और ये आईएएस बनना चाहता है। 3 साल का एज है, मात्र 3 साल एज है और 3 साल के एज में आप जान ही सकते हैं बच्चे जो होते हैं काफी अबोध होते हैं, शब्द का ज्ञान नहीं होता है। उस एज में बच्चा जो है सारी चीजों को याद कर लिया है और फटाफट जवाब देता है। देश के जो होता है राज्य राजधानी याद है इनको? हाँ। पूछिए, असम का राजधानी? मेघालय का? फिर हरियाणा का? पंजाब का? आंध्र प्रदेश को? मध्य प्रदेश को? नागालैंड को? क्या बात है, कोहिमा। राजस्थान को? जयपुर। नेपाल को? श्रीलंका को? भूटान को? अमेरिका को? ऑस्ट्रेलिया को? कैनबेरा। इंग्लैंड को? ब्रिटेन का राजधानी? लंदन। और तुर्की का? सिंगापुर का? थाईलैंड का? थाईलैंड को?
ईरान को प्लान, इराक को टैट, इटली को लिकोलोम, सऊदी अरब को लाद, रियाद, ऑस्ट्रेलिया को। क्या बात है, क्या बात है, ये बच्चा देख सकते हैं ये अपने आप प्रूफ कर रहा है और अपने आप फटाफट जवाब दे रहा है। इनके पिता हैं, क्या करते हैं आप? मैं पैसे से नहीं हूँ, बालदाढ़ी काटता हूँ और गांव पे घूर घूर करके बालदाढ़ी काटता हूँ। साल का हम सबको हिसाब रहता है, साल में एक आदमी पे एक साल में हमको 15 kg अनाज दिया मतलब जाता है। आज के टाइम में भी ये सिस्टम चले आ रहा है और आप जाके घर घर नाई का काम करते हैं? जी जी। और साल में आपको एक बार अनाज मिलता है? जी। बहुत बड़ी बात है। और भविष्य कुमार का घर देख ही सकते हैं, ये मिट्टी का घर है, यहीं पे भविष्य कुमार जन्म लिए हैं, मधुबनी में इनका घर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, इनका काफी वीडियो वायरल हुआ है, कोई मदद करने आया? जी सर, अभी तक तो यहाँ तक पंचायत का मुखिया भी नहीं आया, जो मेरा विधायक है यहाँ का, जो सड़क परिवहन मंत्री है। सड़क परिवहन मंत्री यहाँ के हैं? जी, विधायक जो है वो पूरा बिहार का सड़क परिवहन मंत्री है, वो अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो और दूसरे से हम क्या करेंगे, आशा करेंगे? इतना होनहार बच्चा है और फटाफट जवाब देता है, अगर इसको थोड़ा सा पंख मिल जाए ना, इसको कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए ना, तो कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करेगा और आगे जाके सच में ऐसा काम कर देगा जो अभी तक किया ना हो। कहीं ना कहीं बड़े नेता जो अभी तक महापुरुष जो जन्मे हैं वो भी गाँव में ही जन्मे हैं और वही सी गाँव में भविष्य कुमार जन्म ले लिया है। यहाँ पे टीचर हैं इनके, कैसे पढ़ाते हैं इनको? इसको जैसा कुछ नहीं, इसको सिर्फ पढ़ाते हैं, खेलते कूदते पता है। खेलते कूदते कैसे 3 साल का बच्चा कुछ याद कर सकता है? सोचने वाली बात है, कैसे याद कर लेगा? इसको जो चीज आप बोलिएगा ना, उस चीज बोलिएगा कि कहो बात, तो कहेगा और मान लीजिए 2-4 बार बोलिएगा उसको याद हो जाएगा। 2-4 बोलिएगा याद हो जाएगा, इतना मेमोरी तेज है इनका। हाँ, मेमोरी बहुत पावर तेज। आप एक पिता हैं, बताइए कि इस बच्चे में क्या खास बात है? खास बात तो हम इसमें यही देखे, शुरुआती से इनको देख रहे थे जो बहुत तगड़ा है। कोई भी चीज अगर आपको चेहरा देख लिया एक बार तो ये भूलेगा नहीं, भूलता नहीं। जैसे ये आया था एक रोज पहले, लेकिन इसको अभी तक नहीं भूला, ये सबको याद कर लिया। जी, जितना मीडिया कर्मी आया है उनको टोटल को पहचानता है ये। क्या बात है, क्या बात है, ये भविष्य कुमार की खासियत है। इनका दिमाग इतना तेज है, इतना मेमोरी इतना शार्प है कि कुछ भी चीज़ जो देख लेते हैं उसको याद कर लेते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और कुछ सवाल करें इनसे। कंप्यूटर का आविष्कार क्या करने से? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, बल्ब का, ठीक है जी, कंप्यूटर का, मोबाइल का, मार्टिन, क्या बात, कैलकुलेटर का, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, परमाणु बम का, प्रोटॉन, साइकिल का, टेलीस्कोप को, साइकिल का आविष्कार, मोटरसाइकिल का, ऑटोमोबाइल। क्या बात है, क्या बात है, बच्चा जो है कितना देख सकते हैं फटेदार जवाब दे रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आईएएस बनना चाहता है आपका बच्चा, कैसे बनाइएगा? ये तो अब हमको उम्मीद ही नहीं है बिहार का नेता लीडर से, क्यों तो बिहार में गरीब नेता, गरीब जो आदमी रहता है उसका नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, उसी लेकर के हमारा यहाँ से बिहार से सिर्फ ये चीज उठ गया जो कोई नेता हेल्प करे हमको, जो नेता से इनका मन उठ गया है। और कहीं ना कहीं समाज से भी जो देख रहे हैं, शिक्षा से जो रिलेटेड संस्थाएं हैं वो देख रही हैं, अगर वो इनको अगर मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत आगे जाएंगे। आपसे जानना चाहता हूं कि आप बच्चे को जब सिखाते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि बच्चा जो है तुरंत याद कर लेता है, और कहीं ना कहीं आप सब बच्चों से अलग लगता है? हाँ, सब बच्चा से अलग है। हाँ, कैसे आप डिफाइन करते हैं कि बच्चा अलग है? इसको आप ही पढ़ाइए, 2-4 बार समझ गए और 10 मिनट के बाद पूछेगा, जवाब दे देगा। ये अपने छोटे भाई को भी देखे पढ़ा रहा था? हाँ, छोटे भाई को यही पढ़ाते हैं। इसका छोटे भाई कहाँ है, थोड़ा सा बताइएगा। ये भविष्य कुमार है, भविष्य कुमार के भाई है, ये छोटा भाई है, ये कितने साल के हैं? ये 20 महीना का हो गया। 20 महीना के, मतलब 1 साल 8 महीना के। जी। और इनको ये पढ़ाते हैं? जी। तो सवाल करोगे? परमाने तीन, माने गिन, दोग माने कुत्ता। ये क्या बात है, क्या बात है, सिर्फ पूछना बच्चा है, देखिए कितना तेज है। पूछो पूछो पूछो। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी, क्या बात, मिल्क मीन्स दूध, और उसकी कितने टिक मीन्स की काल, उसकी कितने टूट मीन्स टूट। देखिए बच्चा कितना तेज है, इतना छोटा है, छोटा है, और ये बच्चे को पढ़ाता है। तुम्हें पता है सारी चीजें? हॉर्स मतलब क्या होता है? बफेलो मतलब, डॉग मतलब, कुत्ता। क्या बात है, क्या बताओ, सब मीनिंग पूछेगा इनसे। हेयर मतलब, ब्रेन मतलब, हेड मतलब, चेस्ट मतलब, फुट मतलब,
फिंगर मतलब गोली, चेयर मतलब गोली, शूज मतलब कुत्ता, थ्रेड मतलब धागा, ब्रेसलेट मतलब कंगन, वॉच मतलब घड़ी, घड़ी सोल मतलब बहुत अच्छा, मीटिनोज मतलब नाक, टूथ मतलब दांत, टंग मतलब टीप, टीप आर्म मतलब भाया भुजा, इरेजर मतलब रबर, थ्रेड मतलब धागा, बोन मतलब हड्डी, हड्डी। क्या बात है, क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है और कहीं ना कहीं इतना तेज जवाब दे रहा है, इतना जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है, और इसका देखिए 20 महीना का भाई है, इसको भी ये सिखा रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए गूगल बॉय बोलना किसी बच्चे को ठीक है, गूगल सर्च करते हैं तो उसको नेट की जरूरत होती है, पर ये बच्चे से अगर कोई पूछता है तो पटाख से आंसर देता है, मतलब कि ये गूगल से भी कहीं ना कहीं इसका दिमाग तेज चलता है। और ये बच्चा है 20 महीना, क्या बोलना चाहते हैं, 20 महीना जैसे मतलब इसको भी बहुत कुछ आता है, हाँ, लेकिन अभी छोटा है तो आवाज नहीं निकलता है इनको। अच्छा अच्छा, लेकिन इनको बहुत कुछ आता है, ये इसको भी गाँव मतलब क्या होता है, क्या क्या बात है, हॉर्स मतलब घोड़ा, क्या बात है, और डॉग मतलब कुत्ता, वाटर मीन्स मिल्क मतलब हेयर मतलब टूथ मतलब बाय। क्या बात है, ये बच्चा जो है 20 महीने का है और ये बच्चा जो है 3 साल का है, ये दोनों भाई है और दोनों भाई देखिए कितना पढ़ने में तेज है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं ये इतना सवाल का जवाब याद कर लिया है, कहीं ना कहीं इनको इनको भी नहीं पता होगा। बहरहाल भविष्य कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, भविष्य कुमार का वीडियो इसलिए आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि इनका वीडियो अगर कोई जितना शेयर कीजिएगा उतना लोगों तक पहुँचेगा, उतना ही इनका मदद मिल पाएगा, इनके पिताजी को मदद मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं एक शिक्षक का प्रयास मेहनत जो है वो सफल हो पाएगा। बहरहाल भविष्य कुमार के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।